तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एरे को डिस्कस किया था हमने एरे का सेंटिक्स को पढ़ा था उसमें हम वैल्यू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं उसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं ठीक है, है? तो वो सारा स्टैटिक पे था ठीक है अब अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप एक एक वैल्यू आप ख़ुद उसके अंदर इंसर्ट करते रहें स्टैटिकली ठीक है सो यहाँ पर हमें डायनमिक प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है म्यूज़ कि जहाँ पर यूज़र बस जो डेटा एंटर कर रहा है वो ख़ुद ही ऑटोमेटिकली एरे के अंदर ऐड होता जाए आप उसको प्रिंट कर लें ठीक है सो so, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर हर पोजीशन पर जा के एक वैल्यू को गेट करें और उसको प्रिंट करें सो so, वहाँ पर हमें फॉर सो so, इस एर uh, को सॉल्व करने के लिए कि हम एक फॉर लूप लगाएं और एरे के अंदर जितना भी रिजल्ट है वो आपको सब प्रिंट करके दे दें या यूज़र ख़ुद एरे के अंदर डेटा इंटर करे ठीक है रन टाइम पर रन टाइम पर मीनस कि जब हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को रन करें तो यूज़र कुछ वहाँ पर जो भी डेटा इंटर करें तो वो उसके अंदर ऐड हो जाए सो so, वो कैसे होगा सो so, हम अभी इस ट्यूटोरियल में फॉर लूप को यूज करते हुए एरे के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे एंड उसको देन प्रिंट करेंगे ठीक है सो so, सबसे पहले हमने क्या करना है स्ट्रिंग ठीक है एरे क्रिएट करनी है नेम इसको मैं दे देता हूँ नेम ठीक है दैट्स इट सो हमने क्या किया ये एरे का सेंटेक्स है ठीक है ये इसका नेम है एंड ये इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है ठीक है सो so, ये आप देख सकते हैं ठीक है अब हमने यहाँ पर क्या करना है ये हमें कह रहा है कि ओके okay. सो so, ये तो था इसका सेंटिक्स बट एरे का साइज भी होता है एरे का साइज़ होता है ठीक है लेट्स अब जो हमने एरे क्रिएट की है ना सो so उसके अंदर हम डेटा कैसे स्टोर करेंगे ठीक है इस तरह तो एरे के जो साइज़ होता है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है ठीक है सो so, अब इसके अंदर हम फाइव इंट्रीज कर सकते हैं ठीक है इस तरह ज़ीरो पोजिशन पे वन टू थ्री फोर फाइव कॉमर्स सेपरेटेड हम फाइव इंट्रीज कर सकते हैं तो याद रहे कि ये स्ट्रिंग टाइप है तो आपने डबल कोर्ट्स में डेटा इंटर करना है इस तरह ठीक है इस तरह सो so, ये स्ट्रिंग है तो हम इसमें इस तरह डेटा इंटर करेंगे लेकिन हम अब यूज़र से लेंगे ठीक है सो so, हम एक अनदर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का ही बिकॉज ये स्ट्रिंग टाइप की एर है तो हम स्ट्रिंग टाइप का क्रिएट करेंगे और उसको मैं नेम देता हूँ यूज़र नेम ठीक है ओके okay, अब हम फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम यूज़र से रन टाइम पर परमिशन लेंगे ठीक है रन टाइम पर सॉरी परमिशन नहीं लेंगे मैं एंड्रॉयड के लिए भी एक्चुअली ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो वो मुझे रन टाइम परमिशन वहाँ से याद आ रहा है सो so, यहाँ पर हम अभी यूज़र से रन टाइम पर इनपुट लेंगे ठीक है सो so, उसके लिए क्या करना होगा इंट i इज़ इक्ल टू ज़ीरो आई इज़ लेस देन फाइफ वाई फाइव बिकॉज एरे का जो साइज़ है वो फाइव है ठीक है सो आई प्लस प्लस सो एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है तो यहाँ याद रहे कि आई को भी आपने जीरो से निशलाइज करना है वन से नहीं करना अगर आप वन से करेंगे तो जो एरे के जो जीरो इंडेक्स पर वैल्यू होगी वो आपको रिट्रीव नहीं होगी ठीक है सो so, हम यहाँ पर क्या करने लगे हैं यहाँ पर हम वैल्यू यूजर से लेंगे और वो इंटर करेंगे ठीक है सो so, हम क्या करते हैं हम सी आउट प्रिंट करते हैं इंटर यूजर नेम ओके एंड देन सी एन यूज़र नेम कि जो भी यूजर यहाँ पर क्या करे जब यहाँ पर आए तो वो जो भी यूजर नेम एंटर करे वो इस वेरिएबल में स्टोर कर दो इस आइडेंटिफायर में स्टोर कर दो और जो हमारे पास एरे है नेम की ठीक है सो so, यहाँ पर आए इज इक्वल टू यूजर नेम उसको यूजर नेम साइन कर दो सो so, मैं इसको आपको समझाता हूँ अब देखें ये जब फॉर लूप चलेगा ना आई इज़ इक्वल टू जीरो ठीक है तो वो इस बॉडी के अंदर आ जाएगा इस लूप के अंदर आ जाएगा ठीक है सो आई इज़ लेस देन फाइव ओके जी ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ये इस बॉडी के अंदर आ जाएगा अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो यूज़र से इनपुट ले रहा है ठीक है लेट सपोज उसने फर्स्ट नेम लिया यहाँ पर जॉन ठीक है तो यहाँ वो आएगा ये ठीक है यहाँ पर वो देखेगा नेम अरे कि कौन सी आई में जीरो स्टोर है ना जीरो पोजीशन पर जाके यूज़र नेम जॉन स्टोर कर दो ठीक है अब यहाँ पर देखें ये बॉडी से यहाँ पर आ गया ठीक है थर्टीन लाइन पर तो यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ये यह जाएगा वापस और यहाँ ये यह आई प्लस प्लस कर देगा ठीक है सो so, आई प्लस प्लस होगा तो टू हो जाएगा ठीक है सो टू इज़ लेस देन फाइव यस अब अब यूज़र दोबारा नेम एंटर करेगा ठीक है सो so, यहाँ पर मैं वो सेकेंड नेम एंटर करता है विक तो यहाँ पर तो आई की पोजिशन चेंज होगी है ना सो so, अब वन पोजीशन पर जाकर वो विक को स्टोर कर देगा एंड सेम ये लूप रिपीट होता रहेगा फाइव टाइम्स ठीक है सो ये हमने यूजर से ले लिए वैल्यू अब यहाँ पर हम एक सी आउट प्रिंट करते हैं ठीक है और इधर हम लिखते हैं इंसर्टेड वैल्यूज कि अब जो यूजर ने वैल्यूज इंटर कर दिए ना ठीक है न, वो एरे में स्टोर हो गई हैं अब हम एरो को यहाँ पर शोइंग शो कर रहे हैं शोइंग एरेस ओके एरे डेटा सो उसके लिए भी हम क्या करेंगे फॉर लूप ठीक है फॉर लूप एंड आई इज़ इक्वल टू जीरो आई इज़ लेस देन एरे का साइज ओके देन आई प्लस प्लस एंड देट सेट अब यहाँ पर सी आउट हम करेंगे क्या अब देखें ये जो एरे के अंदर ये जो एरे है ना सो so, इसके अंदर ऑलरेडी यूजर डेटा एंटर कर चुका है ना ठीक है सो so, यहाँ पर क्या करना है नेम ठीक है एंड आपने इसको आई पास कर देना है यहाँ पर सो इट मीनस के जब ये ये लूप चलेगा ना तो जीरो पोजीशन पर आई है ना ठीक है तो हम प्रिंट कर रहे हैं ना नो जीरो पोजीशन पे हमने क्या स्टोर किया था जॉन तो ये यहाँ पर जीरो पोजीशन पे जॉन प्रिंट कर देगा और वन पोजीशन पर क्या था या वन इंडेक्स पे क्या था विक तो so, यहाँ पर ही विक स्टोर कर देगा सो so, हम इसको प्रिंट कर देगा सो so, हम इसको भी रन करते हैं और मैं आपको जो मैंने आपको समझाया था मैं फर्स्ट नेम एंटर करता हूँ जॉन ठीक है सेकेंड टॉम ओके शकीरा ओके अभी ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे नेम जो हैं वो एक लाइन में प्रिंट हो गए सो so, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमने लाइन को एंड नहीं किया था मींस कि एक दफा लूप चले तो लाइन एंड हो जाए सो so आप देख सकते हैं कि ये जॉन ये विक ये टॉम एलन शकीरा ठीक है सो so ये आपके पास प्रिंट हो रहे हैं अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये अब आपको लाइन में शो होंगे जॉन विक एलन टॉम क्रूस ओके सो आप ये दे देख सकते हैं आपकी जो एरे के अंदर जितना भी डेटा स्टोर है वो यहां पर आ चुका है ओके okay. सो बेस्ट प्रैक्टिस एक चीज़ जो आपको मैं और बताता हूँ जो कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टेंट ठीक है ये कॉन्स्टेंट की वर्ड यूज करते हुए हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं साइज और उसमें क्या करेंगे हमेशा एरे का साइज स्टोर करेंगे ये ठीक है सो so अब हम इसके अंदर साइज को पास कर देंगे ठीक है एंड इसकी जो कॉन्सटेंट एंड साइज सॉरी साइज ओके okay. अब होगा क्या अब अगर लेट सपोज़ आपकी जो एरे है वो उसका साइज़ जो है वो आप फ्यूचर में आपको ज़्यादा डेटा इंटर करना है तो अब आपको यहाँ पर जहाँ भी आप इस एरे को यूज़ करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर ये ये वैल्यूज चेंज करनी होंगी बट अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर साइज़ लिख दें ठीक है एंड यहाँ पर भी आप साइज ठीक है अब आपको सपोज यहाँ पर टेन वैल्यूज इंटर करनी है ठीक है और आप क्या कहते हैं नंबर लेना चाहते हैं ओके एक तो आप ये कि ये, नंबर लेना चाहते हैं फिर आप क्या करेंगे फिर आपने इसको चलें इसी बहाने आप इंटीजर भी सीख जाएंगे सो ये जो एरे की जो डेटा टाइप है ना सिर्फ आपने इसको चेंज करना है इंट जो आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो भी इंट ठीक है बाकी सेम रहेगा अब मैं इसको रन करता हूँ ना तो अब ये मुझे कहेगा कि आप टेन इंट्रीज ऐड करो ठीक है ये आप देखिएगा ओके okay, आप देख रहे हैं अब ये मुझसे ज्यादा इनपुट कह रहा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टन वैल्यू इसने प्रिंट कर दी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके सो ये जो ये जो डेटा है ना ठीक है ये जीरो पोजीशन पर वन पोजीशन पर टू थ्री फोर फाइव सिक्स पोजीशन पर स्टोर हो चुका है सो so होपफुली आपको एरे के अंदर इंसर्शन करना आ गई होगी और उसको वैल्यू को प्रिंट करना भी आ गया होगा सो so, अगर आपको एरे की ये वीडियो पसंद आई आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच